शरीयत में ना है पूरी दुनिया में। इमाम आलम वो हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, हम भी नाफ के नीचे आप मानते हैं, इमाम आलम के मसलक पर है, और हमें नाज है हमारे इमाम, और नाज है नाज रहेगा ना, क्योंकि मेरा इमाम ऐसी शान वाला इमाम है कि वो उनवान और है। लेकिन एक बात अर्ज करता चलो कि मेरा इमाम ऐसी शान वाला है कि गजबुल महजूब शरीफ के अंदर हजरत सैयदना दादा गजबुल शरीफ हजरी रहमतुल्लाह अलैह नगर इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में मैंने देखा कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को उठा के ला रहे हैं। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये कौन? सरकार ने इरशाद फरमाया ये तेरा इमाम नोमान बिन साबित अबू हनीफा है। बात बात पर अहले बैत में तो राजियत के फतवे लगते हैं बड़े बड़े
इमाम शाफी की जुबान से कि अगर मैं राजी कहलाता हूं तो मैं राजी हूं, उन पे फतवा लगा है जी उसका, उन पे फतवा लगा है। ये खमसा तो उसकी भी हां हमन बनाए हाजमा अल मुस्तफा व मुर्तबा व मन हमन व फातिमा, इमाम शाफी का इरादा है कि हम तमाम वबाओं को बलाओं को अपने से दूर कर देते हैं इन पांच के जरिए। वो पांच कौन है? अल मुस्तफा वल मुर्तबा वबरा होगा वल फातिमा। मुस्तफा है, मुर्तबा है, मुर्तबा के दोनों शहजादे हैं और सैयद है कायनात। तो सरकार अब्दुल जहांगीर अफसर सुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक किताब आपकी पहुंची बाहर तो लोगों ने कहा देखो ये शिया मालूम होते हैं। आज भी बात करते सैयदों पे तो बस लगातार आप जरा जिक्र ज्यादा करते अहले बैत का तो फिर आपके ऊपर फतवा लग जाएगा। अब आप आजकल माहौल ही हो गया ऐसा, अल्लाह हिफाजत फरमाए ये अहले सुन्नत का माहौल नहीं है, ये मिजाज अहले सुन्नत का नहीं है। हम तो सूफियों के मानने वाले हैं, अपने पास को अपना आया तब भी उसकी इज्जत की जाती है, पराया आया तब भी उसकी इज्जत की जाती है, अपनों को बाहर नहीं निकाला जाता। हमारे पास तो अखलाक ये है कि 800 वर्ष से गरीब नवाज की देख में गोश्त नहीं पकाया गया, क्योंकि मेरे पास गोश्त खाने वाला भी आता है ना खाने वाला भी आता है, और मैं ये चाहता हूं कि खाने वाला आए तब भी खाकर जाए ना खाने वाला आए तब भी खाकर जाए। ये सूफिया की तालीम, ये है वो लोग के जहां कदम रखते थे इलाका दर इलाका हर सब गोश्त इस्लाम हो जाता, ये है वो लोग ये जहां पहुंच जाते कायनात इनकी गुलाम हो जाती। रेखा में जो फतवेबाजी ये राफी है, इसने ऐसा कर दिया राफी है, इसने ऐसा कर दिया खारिजी है, इसने ऐसा कर दिया फला है हमको पैसे लग रहा है कि बस मशीन में लेके बैठे हुए फतवे देने की, जो नजर आया बस गोलियां चलाते चले गए। ऐसा दिख रहा बॉर्डर पे ठहरे हुए फौजी जो दिखा फतवे की गोली चला दी, उन्हें कहा फैला उन्हें फला है उन्हें फला है। ये सरकार के गुलामों का तरीका नहीं। इमाम आजम फरमाते हैं किसी में 100 सिफात में से 99 सिफात अगर किसी के अंदर गोबर की हो, एक सिफत ईमान की हो तो उसे मोमिन मानना चाहिए। हम तो यहाँ फतवेबाजी और बहुत जल्दी अपना मिजाज बदल देते हैं, बहुत जल्दी अपना अंदाज बदल देते हैं। मेरी बात से किसी की बात टकर आए मैं उस पर फतवा लगा, ये तरीका मुनासिब नहीं है। पहले तो फिर अहले इल्म के दरमियान फतवे की बात होती थी, आजकल तो व्हाट्सएप के मुफ्ती भी है, फेसबुक के मुफ्ती है, यूट्यूब के मुफ्ती है, वो सुन लिए इसको बोल दिए, ये सुन लिए उसको बोल दिए, विदा चल रहा है। कैसे कैसे लोगों के तरीके में चल रहे हैं। मैं हैरान हूं कि अहले सुन्नत के नौजवान खादियानियों की वीडियो शेयर कर रहे हैं, इस कदर इल्म से दूरी है, दीन से दूरी है हमारे अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हजरात मैं कर रहा था कि उलमा ने उस जमाने के कुछ सोचा कि भाई ये भी कहीं शिया का नहीं है, लिहाजा जमा हुए और ख्याल किया कि ऐसे ही धमाल करेंगे, जब जुमा का दिन होगा सारे लोग बैठे होंगे उन तमाम लोगों के दरमियान जाके हम मखदूम अशरफ से सवाल करेंगे। सारे के सारे जुमा का इंतजार कर रहे हैं, नमाज है जुमा से कुछ देर कबल बारिश शुरू हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि ऐलान करना पड़ा मस्जिद से कि अपनी अपनी घरों में ही नमाज अदा कीजिए, सारा गांव भर गया। फिर असर के बाद फिर जैसे का तैसा अगला जुमा आया, फिर इरादा करे फिर बारिश हो गई, फिर असर से पहले फिर जैसे का तैसा, फिर उसके बाद जुमा आया फिर बारिश हो गई, ये सब जमा हुए। एक असरबंद ने कहा जाओ जब बस मिले पूछ लो अली की औलाद है, कयामत आ जाएगी तुम्हारा नहीं बदलेगा। अल्लाह ने इनको इख्तियारी अदा फरमाया इस खानदान को, कयामत आ जाएगी जुमा नहीं होगा, हर जुमा यही बारिश का सिलसिला है, चलो जाके सवाल करें। वो गए और आके सवाल किया, सरकार मखदूम अशरफ ने इरशाद फरमाया कि देखो आप आपके वालिद से क्या उसी तरह मोहब्बत करते हैं या जिक्र करते हैं जिस तरह ये खुद करते हैं? बोले नहीं, मेरे वालिद का मैं जिक्र ज्यादा करता हूं। दूसरे से पूछा आप इनके वालिद का जिक्र ज्यादा करते हैं कि अपने वालिद का? कहने लगे मेरे वालिद का जिक्र मैं ज्यादा करता हूं। तो सरकार मखदूम अशरफ ने इरशाद फरमाया तो तुम्हें तो ये हक है कि तुम दूसरों के बाप से ज्यादा अपने बाप का जिक्र करो, और हम सैयदों को यह हक नहीं कि हम सबसे ज्यादा अपने बाप अली का जिक्र करें, हमें यह हक नहीं है। और आप गौर कीजिए सैयदना अली का जिक्र सिर्फ सादात में नहीं, गैर सादात में भी ज्यादा होने की वजह यह है कि अहमद अली ताजी शर्फी साहब जिस तरह अपने पीर का जिक्र फरमाएंगे मैं नहीं कर पाऊंगा, और जिस तरह मैं अपने पीर का जिक्र करूंगा वो नहीं कर पाएंगे। तो कोई इंसान अपने पीर का जिक्र जिस तरह करे सबके पीरों का नहीं कर सकता।
नबियों का पीर है। चार पीर चौदह खान वाले उनकी चालीस शाखे जाके जिस तरह चौकट पे सब हो जाती है मौला अली चेहरे खुदा की चौकट है। वो मौला अली का आस्था। अब आप गौर कीजिए, ये जब अपने पीर की बात आए तो फिर अली तो सारी कायनात के पीर है, उनका जिक्र न किया जाए। पहले बैत का जिक्र याद रखे, ये ईमान की जिला है। और मौला अली ने इरशाद फरमाया था कि मेरा नाम लेना किसी भी दौर में आसान नहीं होगा, मेरा नाम लेना किसी भी दौर में आसान नहीं होगा। जैसे आज हालात आ रहे हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, तो हमारे शहर के हालात फैला रखे थे, अल्लाह अल्लाह माफ फरमाए और अल्लाह हिदायत अता फरमाए इन तमाम को। हम यहाँ आज सैयदाए कायनात का जिक्र कर रहे हैं, दो दिन के बाद फिर सरकार से दीजिए फिर कभी जिक्र करेंगे। हम ऐसे हरगिज नहीं है कि एक तरफ चले जाए, हम बैंक बैंक चलने वाले लोग हैं, हमें सुन्नत है। और मैं ये सुना इसलिए रहा हूं ताकि इन नौजवानों को ये समझ में आए कि हमें सबको लेके चलना है, सबका अदब करके चलना है। और तकफीरी मिजाज से उम्मत में वोट डालने से, फितना फसाद डालने से खुद को बचाना है, ऐसे लोगों की सोबतों में बैठने से भी बचाना है। ये इसलिए सुना आप सोच रहे हो कि ये सुल्तान की जरूरत क्या है, ये सुल्तान की जरूरत। अब आप गौर करवाइए, इमाम शाफई अहले बैत की हकीकत का यह आलम है, इमाम अहमद इब्ने हंबल जिनको सरकार गौसे आजम ने मेरा इमाम कह के पुकारा, वो इमाम अहमद इब्ने हंबल है जिनके ऊपर बहुत जुल्म किया अब्बासी दौर में, अहले बैत की मोहब्बत की वजह से अब्बासियों ने जुल्म किया, इस कदर जुल्म होता रात भर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। इमाम अहमद इब्ने हंबल का आलम है, ऐसा कोड़ा पड़ता इरशाद फरमाते अल्लाह तू गवाह हो जा, मैंने इसको माफ कर दिया है। जख्म लगे तो बद्दुआ नहीं देते, फरमाते अल्लाह आपको गवाह हो जाए, मैंने इसको माफ कर दिया, मैंने इसको माफ कर दिया, मैंने इस बादशाह को माफ कर दिया, मैंने इस अमीर को माफ कर दिया। अब लोग हैरान है और लोगों ने शागिर्दों ने पूछा कि अगर बात समझ में नहीं आती कि कल आपको इतने कोड़े पड़ रहे थे और आप फरमा रहे थे कि मैंने इस बादशाह को माफ कर दिया, सब क्या है। इरशाद फरमाया क्या तुम नहीं जानते कि ये जो बादशाह है ये सरकार के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से है, और मैं नहीं चाहता कि कयामत के दिन मेरी वजह से सरकार के किसी रिश्तेदार से सवाल किया जाए। अल्लाहू अकबर सुभान अल्लाह। क्या इस खानदान की क्या शान है इस खानदान की, आज तो सैयदों को बाहर निकाल कर देखा जाता हजरत अब्बास की औलाद का आलम खान की नजर में, आज तो खानदान और यही गुलामी है और यही अदब है और यही इज्जत है जिसने इमाम अहमद इब्ने हंबल को इस मकाम में पहुंचाया था कि आपके जनाजे में 13 लाख आदमी शरीक हुए थे और आपका जनाजा मस्जिद से लेकर कब्रिस्तान पहुंचा, तो सिर्फ रास्ते में जनाजा देखकर 20,000 आदमी कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए। और फिर उसी इमाम अहमद इब्ने हंबल के मानने वालों में अल्लाह ने सरकार गौसे आजम को पैदा करवाया, और आज भी लाखों करोड़ों लोग दुनिया में उनके नाम लेकर जीने वाले, उनकी गुलामी नाश करने वाले मौजूद हैं। वजह क्या है, इमाम आजम का नाम नजर आता है, इमाम अहमद इब्ने हंबल का नाम नजर आता है, इमाम शाफी का नाम नजर आता है, इमाम मालिक का नाम नजर आता है, इन सब की जिंदगियां उठा के देखिए, सबके सब अहले बैत के गुलामी किए हैं, सबके सब अहले बैत से मोहब्बत किए हैं। और ये बात वाज़ेह है, हकीकत है, इसी घर की नौकरी इज्जत का सबब है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कौन है, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, जिनसे जो सिहाय सित्ता जो किताबें पढ़ाई जाती है, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की, इमाम इब्ने माजा की, इमाम अबू दाऊद की, इन तमाम ने जिनसे सनद हदीस ली वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक है। हजरत सुफियान सौरी के माम शरीन में है, ये दोनों अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कह रहा है। वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं बार बार हज को जाया करता था, कि एक मरतबा, और इस वाकये को हजरत शेख मोहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है, मुसामिलात में अपनी किताब में नकल फरमाया है। तो इरशाद फरमाते हैं कि जब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने फरमाया कि
एक काफिला हज को जा रहा था, मैं उस काफिले के साथ हो गया और चलते चलते एक मकाम पे पहुंचा जहां पे मैंने एक औरत को देखा कि वो औरत एक मुर्दार जानवर अपने घर में लेके जा रही थी और देखने पे पर्दे के एतबार से मुसलमान मालूम हो रही थी। तो मैं उस औरत के पीछे चला गया कि मुर्दार जानवर कहां लेकर जा रही है। मैं उसके पीछे गया और जाकर अब्दुल्लाह ने मुबारक फरमाते, मैंने देखा वो एक दरवाजे के अंदर गई, दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, पूछा कौन? मैंने पूछा तुम कौन? क्या तुम मुसलमान? उसने कहा हाँ मुसलमान। मैंने कहा मुर्दार जानवर लेकर जा रही, किस काम के लिए ले जा रही? तो उस औरत ने कहा आज तक ये मामला मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान था। وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه کہ جب اضطرار کی کیفیت اس قدر ہو جائے کہ بہت سامنے لگے تو وہ حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ اس آیت کو میں نے سامنے رکھے اس مردار جانور کو اٹھا لیا تھا کیونکہ میں اور میری بچیاں یہاں رہتے ہیں اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے اور ہم نہ صدقہ دے سکتے ہیں نہ چندہ نہ زکات دے سکتے ہیں کیونکہ ہم خاندان آل رسول سے ہیں اور تین دن ہو گیا ہے میں بھی بھوکی ہوں، میرے بچے میری بچیاں بھی بھوکی ہیں، اب یہاں تک کہ بہت قریب آ جائے ایسی حالت ہے ہماری اور ہم کسی سے مانگ نہیں سکتے، لہذا یہ کیفیت ہمارے سامنے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جانے لگے۔ میں نے کہا میں حج کرنے کے لیے پیسہ خرچہ کرتا رہا ہوں اور جس ذات کے صدقے مجھے حج ملا ہے اس ذات کی اولاد بھوکی رہے، اس ذات کا خاندان تڑپتا رہے، خاندان آل رسول پہ یہ حالات ہیں، میں کیسے برداشت کروں؟ فرماتے ہیں 500 دینار میرے پاس میں نے سب اس کے حوالے کر دیے۔ میں نے کہا اس کو قبول کروا لیجیے، اپنے جتنے غریب کے واسطے اس کو قبول کروا لیجیے۔ انہوں نے قبول کر لیا اور لے کر چلے گئی۔ پھر فرماتے ہیں میں نکل گیا، سارے لوگ حج کو چلے گئے، میں واپس آ گیا اپنے علاقے میں آیا، لیکن ایک کیفیت تھی کہ حج کو نہ جا پایا، مدینے پاک کی حاضری نہ ہو سکی۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، پتا چلا حاجیوں کے سلسلے واپس آ رہے ہیں، حج ہو چکا ہے، مدینے پاک کی حاضری ہو چکی ہے، کچھ مہینوں کے بعد حاجیوں کے سلسلے واپس آ رہے ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث ارشاد فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے یہ سوچا کہ جا کے حاجیوں کو مبارکباد دوں۔ میں نے اپنے ایک دوست کے پاس جا کے ملاقات کی جو حج سے بھی آیا، میں نے کہا تمہیں حج مبارک ہو، اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس نے بجائے اس کے کہ شکریہ کرتا اس نے کہا آپ کو بھی حج مبارک، میرے سرکار میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو میں اپنے آپ کو اس لمحے میں کافر سمجھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی کیسی زندگی گزری ہوگی کہ جب آنکھ بند کرتے آمینان پہ آمینہ کے لال رخ زیبا آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ آپ غور فرمائیے آج رسول کی خدمت خالی کبھی نہیں جاتی، قابل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، خالی کبھی نہ جائے گی نسبت کسی کے ساتھ۔ آل رسول کی خدمت کے فیضان ہیں، آپ کس کس کو اٹھا کے دیکھیں گے کہ سب کے سب اسی شان والے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی سرکار غوث العظم کے پیروں کے پیروں میں، غوث پاک نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے پیروں میں جس کی مزار سے سب سے زیادہ فیض ملا وہ معروف کرخی ہے، وہ حضرت معروف کرخی۔
फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, मैं इमाम अली रजा का चौखट पे दरबानी किया करता था, दिल में ख्याल आया कि कोई आया हवा में उड़ता हुआ चला गया, कोई आया इमाम से मुलाकात किया पानी पे चलता हुआ चला गया, लेकिन मैं तो 12 साल से यही पड़ा रहा, मेरे ऊपर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फरमाते हैं मैं क्या करता, दरबानी पर बैठा रहता, आने वालों की जूतियां सीधी करता, लकड़ी पकड़ के चौखट पे खड़ा रहता, कभी बाहर निकलते हैं इमाम नारे लेकर आता, दुर्रिया से फारिग होने के लिए जाते चप्पल पहनाता, वजू का पानी ला के रखता, यही काम करता, और दूसरे कई मकाम लेके चले जाते। दिल में ख्याल आया क्या बहुत हो गया, क्या बहुत सा वक्त ऐसे ही लगा दिया है, लिहाजा अब मैं निकलूं और यहां से निकल के कहीं और जाऊं। और ये ख्याल मुरीदों के दिलों में शैतान की तरफ से वसवसा है, और ये सब मुरीदों का था, मैं टाइम खराब तो नहीं कर दिया, मैं टाइम बर्बाद तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने अपना वक्त जाया तो नहीं कर दिया, सब मुरीदों का था, अरे पीर साहब मेरे से ज्यादा काम तो नहीं दे दिए, दूसरों को नहीं बोल रहे, मेरे को ज्यादा तो नहीं बोल दिए, सुल्तान मशायख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बात है, यही बात है हजरत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गनी के हवाले से लिखा हुआ है कि बदायूं शरीफ से जब निकले अपने दोस्तों के साथ कीमिया का इल्म हासिल करने के लिए, इल्म कीमिया सीखने के लिए कि सोना किस तरह बनाया जाता है, फरमाते रास्ते से गुजर रहा था, एक फकीर की झोपड़ी पे नजर पड़ी, मैं दाखिल हुआ, नजर से नजर मिली, मैं फिरबान हो गया, कोई और नहीं सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्ल है, सरकार फारूक आजम के लाल है, और फारूक आजम का ऐसी शान वाला शहजादा कि पूरी नस्ल फारूक आजम में अकाबरीन पैदा हुए हैं, शेख अहमद शरीदी मुजद्दद अलफसानी पैदा हुए हैं, इमाम अलबारूदा फारूकी पैदा हुए हैं, अकाबिर अबूदरगानी ख्वाजा सलीम चिश्ती पैदा हुए हैं, आप देखें अकाबरीन पैदा हुए, लेकिन बाबा फरीद जैसा ना पहले पैदा हुआ ना कयामत तक पैदा हो सकता है। बाबा फरीद उस इमाम का नाम है जिसकी तरबियत ने अलाउद्दीन को साबिर कलीमी बना दिया था, जिसकी खिदमत ने निजामुद्दीन को महबूबे इलाही बना दिया, जिसके एक हाथ में महबूबे इलाही एक हाथ में साबिर कलीमी हो, साथ की अजमत का आलम क्या होगा। सरकार नवाज खुद इरशाद फरमाते हैं कि मियां कुतुब तुम्हारे बिजने में तो बड़ा भाषा औलिया के आंगन में रोशनी हो, वो है बाबा फरीद। आप देखिए सरकार बाबा फरीद की खिदमत में रहे, दोस्तों से कहा जाओ तुम जाओ सोना बनाना सीखो, मैं यही रहूंगा, पढ़े थे इरशाद फरमाते हैं कुछ दिन इसी तरह होने के बाद में मेरे दोस्तों की वापसी का वक्त आया, वो वापस जाते हुए कहने लगे निजामुद्दीन तुमने देखा हमारे हाथों में सोने के भरे हुए थैले हैं, और हम तो अब सोना बनाना सीख कर आए हैं, तुमने तो अपना वक्त इस फकीर के लिए जाया कर दिया। फरमाते हैं दिल में ख्याल आया अल्लाह अकबर क्या वाकई में मैंने इस बुजुर्ग की खिदमत में अपने पीर की खिदमत में क्या मैंने वाकई में इस फकीर की खिदमत में अपने वक्त को जाया कर दिया। इरशाद फरमाते हैं ये बेचैनी थी कि मेरा वक्त बर्बाद तो नहीं हो गया, अचानक आवाज आई निजामुद्दीन कहां, मैं हाजिर हुआ, अर्ज किया सरकार हुकुम फरमाए, इरशाद फरमाए हम जरूरत से फारिग होना चाहते हैं, जाओ पानी का लोटा भी ला के रखो और ईंट के ढेले भी ला के रखो। फरमाते मिट्टी के ढेले लेने के लिए चला, पानी का लोटा रखा, मिट्टी के ढेले ढूंढ के लाने के लिए पहुंचा, इरशाद फरमाते जिस ढेले पर हाथ रखता खुद को सोना बन जाता, उसके बाद फरमाते जब मिट्टी खत्म हो गई मैंने पत्थर पे हाथ रखा तो पत्थर सोना बन गया। हैरानी के आलम में खड़ा था, आवाज आई कहां है निजामुद्दीन, मैं हाजिर हुआ, अर्ज किया सरकार हाजिर हूं, इरशाद फरमाया कहां रह गए थे, मैंने कहा सरकार आपने ये जब हुक्म फरमाया मैं गया तो ये मामला पेश आया। बाबा फरीद ने इरशाद फरमाया जब सारी मिट्टी सोना बन गई थी तो सोना ही ला देते हाथ के लिए, सोना ही ला देते। अर्ज किया सरकार आप ही ने तो सिखाया है कि तहारत सोने से नहीं ली जा सकती, उसके लिए मिट्टी लाजिम है। इरशाद फरमाया निजामुद्दीन फिर उससे कैसा दिल लगाना जो तहारत लेने के लिए खाबिर गाना रहा, उससे कैसा दिल लगाना जो तहारत लेने के लिए खाबिर गा रही है, अरे दिल लगाना है तो अपने यार से लगा, दिल लगाना है बुजुर्गों का फैजान कि इनकी सोहबत में वो मिल जाता है जो कीमियागरों को नसीब नहीं हो सकता, इनकी खिदमत में अल्लाह वो सब कुछ अता फरमा देता है। अब आप गौर फरमाइए
हजरत मारूफ कैसे फरमाते दिल में आया ख्याल, शैतान ने भटकाया, मैंने सोचा आप चलो यहां से। दो तीन दिन निकले, दो तीन दिन का खाना रखे निकल गया, दो तीन दिन गुजर गए, जंगल में जाता ही रहा, फरमाते भूख लगी। पहले वहां पड़ा रहता तो भूख भी नहीं लगती थी, ये रूहानियत की ताकत है। फरमाते पहले वहां रहता तो भूख नहीं लगती, ये भूख की शिद्दत है। सोच रहा हूं कि काफिला नजर आ जाए, यह काफिला नजर आया, मैंने सोचा चलो इस काफिले से कुछ मांग लू। उस काफिले के पास पहुंचा और जाके मैंने उस काफिले वालों से मांगने का इरादा ही किया था कि उन लोगों ने अजान दे दी, अजान के लिए जब अजान दी गई तो नमाज के लिए तो खड़े हो गए। मैंने सोचा इतना इंतजार किया नमाज तक इंतजार हो जाता, मैंने नमाज तक इंतजार किया। जब नमाज हुई सोचा अभी मांगू तो उन लोगों के इमाम ने पलट के कहा आप सब जानते हैं हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हैरान हो गए, जैसे हमारे हैदराबाद का मशहूर मसला है कि मुसीबत सदा को आफत सदा का सलाम, पहले अपने पास कुछ भी नहीं है बोले तो उनके पास भी कुछ भी नहीं। अब हैरान है क्या किया जाए, तो उनके इमाम ने कहा एक काम करो हम दुआ करते हैं, सब मिलकर दुआ करें अल्लाह रज़्ज़ाक है और इसका सदा फरमाने वाला है। आज मसला यह है कि हमारी नजर उठी गई है, रिस्क के ख्याल ने हमें रज़्ज़ाक से गाफिल कर दिया, ये हमारा मिजाज है और हमारा हाल यही है। अब आप गौर कीजिए कि रज़्ज़ाक का ख्याल रज़्ज़ाक से मांगने के लिए हाथ उठाया तो दुआ क्या कर रहे हैं, अल्लाह तू हमें रिस्क अता फरमा, तुझे सरकार इमाम अली रज़ा की चौखट के दरबार मारूफ कर्सी का पास था। फरमाते बस ऐसी दुआ जुबान से निकल रही थी और बिल्लियां अपने हाथों में रोटियां पकड़ के दौड़ते हुए आ रही थी और मैं निकल के इमाम की आस्थाने की तरफ दौड़ा। उन्होंने कहा ठहरो खाना तो खा के जाओ, मैंने कहा अब वो मिल गया है कि मौत में कभी भूख लगने वाली नहीं है। आगे इमाम की चौखट पर खड़ा हो गया, इमाम ने देखकर फरमाया आ गया वापस, मैंने अर्ज किया हुजूर वापस आ गए, फरमाया ठीक है। तो मैंने अर्ज किया अब क्या काम है, फरमाया वही कर जो पहले कर रहा, वही कर जो पहले कर रहा था। तो अहले बैत की गुलामी ने इस मकाम पे पहुंचाया कि उनके वसीले से कायनात को हिस्सा अदा किया, दूसरी तरफ वो कहता है कि मैं जब नींद से जाकर रोता हुआ गया
और जाके मैंने लोगों से कहा उठो कल तो औरत आई थी वो कहां है मालूम करो। लोगों ने कहा वहां सीधे शहर के पास है। मैं गया जाकर उससे कहा तू जितना चाहे मान ले रहे इनकी खिदमत मेरे हिस्से में दे, इनकी खिदमत मेरे हिस्से में दे। उसने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा। बहुत ज्यादा इसरार किया तो वहां फिर शहर ने जवाब दिया बात यह है कि जब ये सैयद सादी घर में आई है तो इनकी बरकत से हम सबके सब मुसलमान हो गए और जहां तूने ये ख्वाब देखा तो वहीं मैंने भी ये ख्वाब देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ ला के इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे खानदान की खिदमत का सिलसिला ने तुझे ईमान की शक्ल में अता फरमाया। मैं और मेरा पूरा का पूरा घराना मुसलमान हो गए। अब तो तू चाहे सारी दौलत दे दे तेरा सारा ओहदा दे दे लेकिन मैं इस खानदान की खिदमत को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और सरकार ने खाब में मुझे जन्नती होने की बशारत दी और एक महल दिखाया। इरशाद फरमाया तेरा महल है तो जन्नत में तेरे नाम से बनाया गया है क्योंकि तूने मेरे खानदान के साथ खिदमत का मामला किया है। तो मानने वाला हो तो फिर ये बनते और न मानने वाला हो तो फिर आप गौर कीजिए आखिर में पहले बैल की खिदमत बड़े शर्फ वालों का और बड़े अच्छे मुखदर वालों का हिस्सा है। नाकस और नाकस के हिस्से में नहीं आती लेकिन हजरात जहां इस खानदान की मोहब्बत है जहां इस खानदान की इज्जत है सरकार इमाम बाखर फरमाते जहां अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जहां अल्लाह ने यह फरमाया कि सादिकीन के साथ हो जाओ वहां पे उन सच्चों से मुराद कोई और नहीं खानदान आले रसूल है। खानदाने आले रसूल है इनके साथ हो जाओ कि कल दुनिया देखेगी करबला के मैदान में अल्लाह के महबूब का दरवाजा खड़ा होगा और कोई साथ देने वाला नहीं होगा। अल्लाह पहले फरमा रहा है गुरु मास शादी थी सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वालों से कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। क्या मतलब ईमान वाला वही कहलाएगा जो इन सच्चों की गुलामी कर दिया कर देगा। इमाम सरकार इमाम जाफर सादिक ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ये कहा जाता है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया फिर तुमसे नियामतों के बारे में पूछा जाएगा कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा उन नियामतों के बारे में जो तुम्हें अता फरमाई है। सरकार इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं वो जो नियामत है जिसके बारे में पूछा जाएगा वो नियामत कुछ और नहीं खानदान आले रसूल है। इस नेमत के बारे में तुमसे पूछा जाएगा अगर तुम इस नेमत के बारे में वफादार रहोगे तो इस गद्दार बना दिए जाओगे और इनके गद्दार हो गए तो आखिरत पर बात कर दी जाएगी। यह वो नेमत है इसके बारे में तुम्हारे तो समझना यौम दिन अली नहीं कहा गया। वो नेमत खानदान फातिमा तो सहरा है वो नेमत खानदान सादिक फरमाते हैं इस नियामत के बारे में नियामत के दिन पूछा जाएगा। एक जगह अल्लाह फरमाता है वा वसीमू बिहब्लिल्लाह के लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। सरकार इमाम बाकर ने फरमाया वो अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं खानदान आले रसूल है जिनको थामने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है। वला तफरहू तुम इनको छोड़ दो मत क्योंकि इनको छोड़ोगे तो फिर तबलीग में पड़ जाओगे। खानदान आले रसूल को थामने का अलग अलग मकामात पे हुक्म फरमाया। मौलाए कायनात फरमाते हैं कुरान में जहां भी या अय्युहल लदीना आमनू करके पुकारा गया वहां अक्सर हम खानदान आले रसूल ही बुलाते हैं। कुरान इनकी अजमतों की गवाही दे रहा है सरकार कायनात इनकी अजमतों की गवाही दे रहे हैं और आज भी दुनिया इनकी गद्दारी की बात कर रही है और आज भी दुनिया कह रही है कि सब बराबर है। हरगिज नहीं है ऐसा हरगिज नहीं है यकीनन इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अल्लाह के पास ज्यादा इज्जतदार हो जो ज्यादा रस्म वाला है वो अमल की बुनियाद पर है। खानदान आले रसूल की इज्जत अमल की बुनियाद पर नहीं खून मुस्तफा की बुनियाद पर। कोई आदमी 1 करोड़ रकअत नमाज पढ़े 10,000 किताबें लिखे 1,00,000 तकारीर करे उसकी ये पूरी जिंदगी की इबादत सहबत तक्वा रियाजत और ये मुस्तफा के खून का एक खतरा एक तरफ है जो सैयदों के रूप में दौड़ रहा है उसके बराबर नहीं हो सकता।
खुदा समझिए कि हम किसके जिक्र के लिए जमा हुए हैं, किस बात पर दुजहरा और उनके खानदान की अजमतों का जिक्र करने के लिए जमा हुए हैं। इनकी वफादारी गुलाम को पास से अलमदार बना देती है, इनकी वफादारी गुलामों को सही दायफा बना देती है, इनकी गुलामी लोगों को मारूफ कासी बना देती है, इनकी गुलामी अबू हनीफा को इमाम आजम बना देती है। और जो इनका वफादार न हो वो या तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हो जाए, या फिर यजीद होता है, या अमर इब्ने साद होता है, या फिर शुमर की तरह पूरी दुनिया की लानतों का हकदार हो जाता है और सारी दुनिया लानतें करती है। अल्लाह पाक ने फरमाया था हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतखाब की, लफ्ज़े यजीद गाली से पुत्र बना दिया। आप गाली दे तो उतना गुस्सा नहीं आएगा लोगों को जितना यजीद कहने को आए। अहले बैत की गद्दारी के बदले हैं और अहले बैत की वफादारी ने देखिए क्या क्या मुसाबता फरमाए हैं। अगर किसी के पास हकीकत और हकीकत की नजर है वो जाए सरकार गौसे आजम के आसमाने पर, सरकार गरीब नवाज के आसमाने पर, सरकार खुतबे पाक के आसमाने पर, बाबा फरीद के आसमाने पर, महबूबे इलाही सबीरे कलियरी चिराग दिल्ली बंदा नवाज के आसमानों पर जाए, किसी को हकीकत की नजर मिल गई हो वो जाए बाबा शरफुद्दीन सोहरावर्दी के आसमाने पर, सरकार यूजुबैन के आसमाने पर, शाह अब्दुल गफ्फार हुसैनी के आसमाने पर, अरे जाके कोई पूछे शेख अब्दुल हक वहदी से दिल्ली के आसमाने पर, इमाम अहमदुल्लाह फाजिल बरेलवी के आसमाने पर, इमाम अहमदुल्लाह फारूसी के आसमाने पर, शाह वलीउल्लाह वहदी से दिल्ली के आसमाने पर, कोई जाके पूछे ये मकाम किसकी गुलामी से मिले, इन सारे आसमानों से एक ही आवाज आएगी, दुनिया
दुनिया को बता रहे थे कि उनकी के सरों पे, उन्हीं के सरों पे इज्जत का ताज रखा जाता है, तो अहले बैत की गुलामी को इख्तियार कर लेते हैं। तो हिजरत रसूल कॉन्फ्रेंस में जमा होने वाले यकीनन ये लोग काबिल मुबारकबाद, काबिल सब मुबारकबाद है कि अल्लाह ने उनको अहले बैत के नाम की महफिल में जमा फरमाया। लेकिन जहां अहले बैत की मोहब्बत है वही अहले बैत की तालीमात भी है, वही अहले बैत की कुर्बानियां हैं। आप गौर फरमाइए, मैं अपनी पर्दाशी माओ बहनों से अर्ज करना चाहूंगा, सैयदाए कायनात के नाम की महफिल में हम हाजिर हैं, लेकिन हमारा हाल क्या है? अब यहां से निकले तो फिर मोबाइल में वो सीरियल ये फिल्म वो फिल्म इसी में मसरूफियत है, मोबाइल है तो टीवी नहीं तो मोबाइल। और हमारे बच्चियों का भी हाल हो गया, उनके माँ बाप क्या कहे, कॉलेज छोड़ गए तो कहाँ है मालूम करने के वास्ते मोबाइल मिला है। हाँ, अभी लोग बहुत कुछ मालूम कर लिए, क्या क्या मालूम कर लिए, जो मालूम नहीं करना था सब मालूम कर लिए। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हो रहा है और हर महल में हो रहा, हर जगह हो रहा, हर घर में हो रहा है। और ये ऐसी चीज है, टीवी के अंदर कम से कम आदमी वो देख सकता है वो जो दिखा रहा है, लेकिन ये ऐसी चीज है जो वो दिखाया जाता है जो हम चाह रहे हैं। आप यूट्यूब खोले, किसी मौलाना का बयान देख रहे थे, वो रिलेटेड वीडियो में ऐसा कुछ बोल देता कि गुनाह की तरफ बात नहीं करता। अपनी बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत करिए खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के दीन की, अपनी बच्चियों के दीन की हिफाजत कीजिए खुदा के वास्ते। नस्लें बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो रही है नस्लें। छोटा फोन दिला, जो मैं बार बार लोगों से कह रहा हूं, छोटा फोन दिला। अगर आपको मालूम करना है कहां है तो छोटे फोन पे मालूम होता था, शुरू में दिला दिए थे कहते छोटा ही, लेकिन थोड़े दिन के बाद सब बच्चियां बड़ा ला रहे तो बच्ची कैसा क्यों फील कर रही थी, इस वास्तव में भी बड़ा दिला दिया। सब बर्बाद हो रहे, तो मेरी बच्ची बोली मैं भी बर्बाद होगी, मैं बोला बर्बाद हो गया, मेरे क्या करने का है, ये है हाल। सो बर्बाद होने थे, हमारी बच्ची की बोली सो जाके गड़े में गिरने थे, हमारी बच्ची बोली हम भी फूट जाते, बोला जाओ फूट जाओ पड़ जाओ, मेरे क्या करना है, वो नहीं बोलते हम, लेकिन ये जरूर करेंगे। यहां हमको एहसास हुआ कि नहीं दूसरों के ऐसा मेरे को भी करना चाहिए, वहां भी एहसास करिए। खानदानों की इज्जतें बारों में नीलाम हो रही है, मोबाइल नाम की बला हमारे घरों का सुकून बर्बाद कर गई है, मुसीबत में डाल दिया इसने। और यहूदियों की चालों में सबसे भयानक चाल, जिसमें यहूदी और ईसाई सबसे ज्यादा कामयाब हुई है, स्मार्टफोन ज्यादा नुकसान है, कई गुना ज्यादा नुकसान। इसलिए खुदा के वास्ते संभालिए अपने घरानों को, सैयद कायनात की तालीमात क्या है। और आज तो आलम यह है, पाकिस्तानी नाम बहुत पसंद में हो, बच्चा हुआ तो बोले हजरत नाम, वो एक नाम सोचे हम, बच्चे का ये है, बच्ची का ये है, अगर दोनों में से क्या हुआ तो ये रखा, बोला ये नाम कहां से सुने, हमारे घर वाले बोले। आप तहसील करें तो 80% वही छह घर वाले पाकिस्तानी सीरियल में नाम सुनकर रखा। हमारे लिए सहाबियात के नाम नहीं है क्या, हमारे लिए महाजुल मुमिनीन के नाम नहीं है क्या, हमारी बच्चियों के लिए सरकार के घराने के नाम नहीं है, हमारे बच्चों के लिए सहाबा के नाम नहीं, जो दो करोड़ी के नाचने वालों के नाम में अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं। अरे वो औरत जो इज्जत नीलाम कर रही है उसके नाम पे हम अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं। अरे कोई औरत अगर कोई गलत हरकत करके खानदान में बदनाम हो जाए, कोई अपनी बच्ची का नाम उसके नाम पे रखने तैयार नहीं होगा, तो वो तो सारी दुनिया के सामने इज्जत को नीलाम करके बदनाम हो रही है, उसके नाम पे अपनी औलाद का नाम कैसे रख सकते हैं। यहां तक पहुंच गया, सरकार ने इरशाद फरमाया कोई औरत निकले अपने घर से और खुशबू लगाकर निकले, और उसकी खुशबू की वजह से कोई मर्द उसकी तरफ पलट के देखे, सरकार फरमाते वो बदकार औरत है, वो बदकार औरत है। अब तो किस्सा ये है, मियां बाहर से आते वक्त सबको सस्ता परफ्यूम लेके आए, बीवी कुछ महंगा लाके दी, औलाद ही बोला सबको ऐसे वैसे लाके दे दिया, उस पर दे तुम्हारे को अच्छा लाके दिया, कहीं भी गए तो हमारे बीवी लगा लेके जाओ, ये है बिजाते बात। सरकार फरमाते एक आदमी पलट के देखे वो बदकार औरत है, सरकार ने जिसे बदकार कह दिया खुदा की इज्जत की कसम बोलने को कहा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, वो यकीनन बदकार है, जिसे अमेरिका के लाल ने बदकार कहा। खुशबू लगा के निकलने वाली ऐसी खुशबू कि कोई आदमी अगर शरीर से गुजरे तो उसे खुशबू जाए, ऐसी हर औरत बदकार है। इस हदीस को अगर सामने रखा जाए, इस हदीस के मामले में अगर आप देखें, ऐसी हर औरत बदकार है जिसकी खुशबू की वजह से कोई आदमी उसकी तरफ पलट के देखे। तो आलम यह है कि बादू से गाड़ी में से गुजर गए तो खुशबू ऐसे ऐसे परफ्यूम लगाने महंगे से महंगे,
और माँ बाप की जीरत है कि कब्रस्तान में आराम कर रही है, मतलब ही नहीं है हमारे को, कहीं भी जाओ बच्चे, कहीं भी जाओ बच्चियां, जानों में जाते ना ज्यादा से ज्यादा, मेरे क्या करना है, खाली नहीं जाते, आपको भी लेके जाते, खाली लगे नहीं जाते, एक औरत चार को ले जाएंगे फरमा सरकार, आपने सुना होगा बार बार, अब उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हालात ऐसे हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया कोई औरत बन सवर के घर के बाहर निकले, बन सवर के बिना हिजाब, सरकार फरमाते अपने घर के बाहर निकले बगैर हिजाब के, बन सवर के, सरकार ने फरमाया हर कदम पर उस पर अल्लाह की भी लानत होती है, फरिश्तों की भी लानत होती है, उसके आगे उन्होंने इरशाद फरमाया कोई औरत बगैर हिजाब के बन सवर के घर के बाहर निकले और उसके बन सवर कर बाहर बगैर हिजाब के जाने पर उसका शोहर राजी हो तो वो एक कदम रखती है तो उसके शोहर के नाम का एक घर जहन्नम में बनाया जाता है। अब आप गौर फरमाइए हम अपने आप को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, कौन सी बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, खुदा के वास्ते ये सीरियलों की या फिल्मों की लानतों से निकाली अपने घरों की खवातीन, हम खुद साथ बैठ के देखे तो उनको क्या बोल सकते, हम खुद साथ बैठ के देख रहे, कई मर्दाना को ऐसा भी देखने में आ रहा जिनपे काम पे थे घर को आके टीवी से पूछ रहे तो सीरियल में क्या हुआ, ऐसी क्या फिक्र हो गई तेरे को, बीवी नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं पूछा, क्या वो सीरियल में क्या हुआ कल देखे थे नहीं, तौबा करिए खुदा के वास्ते तौबा करिए, ये रोने का वक्त है, ये जो कैंसर की बीमारी फैल रही है ना यही वजह है, यही वजह है अक्सर, यही वजह जो बीपी शुगर आम हो रहा है यही वजह है, ऐसे ऐसे अमराज में बिलखसूस खवातीन इस वक्त परेशान है, बयान नहीं किया जा सकता, वजह क्या है यही कुछ हो रहा है, ये अल्लाह की तरफ से पकड़ है, गिरफ्त है, तौबा करिए, तौबा तमाम गुनाहों को धो देती है, जब गुनाह धुल जाते हैं तो रहमत की बारिश होने लगती है, तौबा करिए, अक्सर जो बीमारियां हैं ये इसकी यही वजह है। एक मरतबा सरकार अपने सहाबा की मजलिस में है, सरकार ने इरशाद फरमाया सबसे पाकीज़ा तरीन औरत कौन, एक साहबी ने इसका याद किया जिसकी नमाज ना छूटी हो, सरकार ने फरमाया तुम्हारी बात सही है लेकिन तुम मेरी मुराद को पहुंचे नहीं, फिर दूसरे साहबी ने इसका या रसूल अल्लाह जो कसरत से रोते रहती है या दूसरी इबादतें सुनाई, सरकार ने फरमाया बात सही है लेकिन मैं तो चाहता हूं उस मुराद को तुम नहीं पहुंचे, मौलाए कायनात फरमाते हैं कोई भी जवाब न दे पाया, मैं आहिस्ता से उठ के मस्जिद से बाहर निकल गया और मैंने जाके फातिमा से पूछा कि सरकार ये सवाल फरमा रहे हैं जवाब क्या होगा, सैयदे कायनात भी मुस्कुरा गई कि बाबे मदीना तो इल्म की सवाल करने के लिए आ गए, जिसके दरवाजे पे सारी दुनिया सवाल करने जाए, जो इल्म रसूल का दरवाजा है वो जहां जाके सवाल करे वो फातिमा के सहारा है, क्योंकि अली इल्म रसूल का दरवाजा है और फातिमा मुस्तफा के रसूल का हिस्सा है, वो पहले से ही अंदर है, दरवाजा बाहर लगाया जाता है वो वजूद रसूल का हिस्सा है, अब आप गौर फरमाइए कि मौला अली फरमाते हैं मैंने गया फातिमा से पूछा, फातिमा ने मुस्कुराए जवाब दिया, बात यह है इसका जवाब यह है कि वो औरत सबसे ज्यादा पाकीज़ा है जिसको गैर मर्द ने नहीं देखा और उसने कभी गलत नजर से किसी गैर मर्द को नहीं देखा, वो औरत पाकीज़ा है, और अली फरमाते हैं मैं हाजिर हुआ, अभी बात चली रही थी मैंने सरकार से अर्ज किया ये जवाब, सरकार की आंखों में आंसू आ गए, चश्माने मुबारक नम हो गई, दाढ़ी मुबारक दी गई, सरकार ने इरशाद फरमाया अली ये जवाब तुम्हारा तो नहीं है, अली ये जवाब तुम्हारा तो नहीं है, अर्ज किया या रसूलल्लाह फातिमा ने जवाब दिया है, सरकार मौला अली फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया मैं कहावत से बरत के फरमाया मेरे सहाबा, मैं तुमसे नहीं कहता था सहाबा मेरे ऊपर कि फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुमसे नहीं कहता था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फरमाते हैं मौला अली के सरकार सजदे में गिर गए और रोए, इतना रोए, इतना रोए कि हम हैरान हो गए, कभी समझने को तैयार नहीं थी कि मैं फिर से फातिमा के पास गया, जाके मैंने कहा फातिमा चलो हुजूर की हालत गायब हो रही है, मौला अली फरमाते हैं सैयदाए कायनात ने अपनी चादर ओढ़ी बाहर निकल के आई, सरकार सजदे में है, सरकार के जिसने मुबारक पे हाथ रखा उसने मुबारक पे हाथ रखा, सैयदाए कायनात ने सरकार ने सर उठाते हुए फरमाया फातिमा आ गई, फातिमा आ गई, मैंने अर्ज किया बाजार आ गई, हुआ भी तो इस कदर क्यों बेचैन है, इस कदर क्यों रोते हैं और किस लिए आपको रोने कर रहे हैं, तो सैयद सरकार ने इरशाद फरमाया फातिमा मैं दुआ कर रहा हूं तुम भी मेरे साथ दुआ करो, मैं सैयदा फरमाती है मैंने पूछा हुजूर क्या दुआ करूं,
ارشاد فرمایا فاطمہ میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا کرو, میری امت کی عورتوں کے لیے دعا کرو, میری امت کی بہوؤں کے لیے دعا کرو, کیونکہ کل رات میں نے دیکھا میری امت کی سب سے زیادہ جو کثرت ہے وہ خواتین کی دہن میں ڈالی جا رہی ہے. میں اپنی امت کی بچیوں کے لیے رو رہا ہوں, میں اپنی امت کی بیٹیوں کے لیے رو رہا ہوں, میں اپنی امت کی بہوؤں کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہوں, میں بھی ان کی مغفرت مانگ رہا ہوں, تم بھی ان کی مغفرت مانگو. آپ غور کیجیے اپنی شہزادی کو اس حال میں سرکار نے ہماری بہو بیٹیوں کے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا اور روتے گڑگڑاتے سرکار ہماری گھرانوں کی خواتین کے لیے دعا فرما رہے ہیں, اور ایسے قریب کے طریقے کو ٹھکرا کے ہمارے گھرانوں کی خواتین دین اسلام کو اپنے گھروں سے باہر نکالے, ناچنے والوں کو دیکھتے ہوئے دن رات گزارے اور ناچنے والوں کے طریقوں کو پسند کر کے مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑے. یہ بدنصیبی ہماری ہے, اس سے بڑھ کے احسان فراموشی کا ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کے نالائکی کا ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کے میرا روی کا ہو سکتی ہے. خدا کے لیے سیدہ کائنات کے نام پر ذبح کرو اور عہد کر کے اٹھو کہ اسی سیدہ کا واسطہ میرے مالک ہمیں حیا سے پاک کر دے, ہمیں بے حیائی سے پاک کر دے, ہمیں حیا دار بنا دے, ہمیں حیا والا بنا دے. کیونکہ سرکار نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے. لڑکیاں ہمارے معاشرے کی ہیں جو برقع پر پہنتی ہیں, برقعے کے اندر جینس پینٹ نظر آ رہا ہے, برقعے کے اندر جینس ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, کتنی لڑکیاں ہیں آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں نظر آئی. اور بابا کیا بنے حبیش میں اللہ کی شادی کے بعد پہنتی کیا, شادی کے بعد نہیں ہوتا نا, حبیش پہنا دے رہے اس واسطے. جبکہ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ عورت جو مردوں کا لباس پہنے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یعنی ماں باپ اپنی اولاد کو لعنت کا حقدار بنا رہے خوشی خوشی, جب اس اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم میں پھینکا جائے گا آپ نہیں برداشت کر پائیں گے, نہیں برداشت کر پائیں گے, اس کے پیر میں کانٹا چھو جائے آپ نہیں برداشت کر سکتے, جہنم کی وہ آگ جس کے اندر پہاڑوں کو لانا جائے تو وہ لیتا لیتا ہو جائے گا, آپ نہیں برداشت کر پائیں گے اپنی اولاد کو اس آگ میں پھینکا جائے. جب سرکار نے فرمایا لعنت ہوگی تو پھر لعنت ہی ہوگی, لعنت ہی ہوگی اس کے اوپر, اور جو ماں باپ اپنی خوشی سے پہنا رہے ان پہ بھی اللہ کی لعنت. خدا کے لیے یہ بیجا محبت کو بیجا نفرت ہے, یہ جس کو محبت کا نام دے کے ہم لعنتوں کے حقدار ہو گئے. سیدہ کائنات کی حیات یہ نہیں ہے. سیدہ کائنات نے تو مولا علی سے فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد بھی اندھیرے میں مجھے روشن کرنا تاکہ دنیا کو میرے خد کا میرے جسم کا اندازہ نہ ہو سکے. یہ ہے پردہ جو سیدہ کائنات نے سکھایا. اور ایک بے پردگی یہ ہے کہ بیٹے کی شادی ہوئی تو ادھر کے پورے قریبی رشتے دار ان کے سامنے بے پردہ, ادھر کے پورے قریبی رشتے دار ان کے سامنے بے پردہ. بیٹے کے والد ہے, بچے کے والد ہے, بچی کی والدہ ان کے سامنے آ گئے, بچی کے والد ہے, بچے کی والدہ ان کے سامنے آ گئے. نہیں بھائی وہ ایسا کر لے کہ ایسا کر, سنگے بھائی نہ پڑ گئے, یہ بھائی بن گیا, اور بھائی بنا تو ایسا کہ پردے نہیں ہیں اسے. بے پردہ آپ کا بیٹا بہو ہوئے ہیں, آپ کو بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں دی گئی, ان کو اجازت ہے نکال کے, آپ کو نہیں ہے. آپ نکل کے آ گئے بے پردہ, سلام بھی ہو رہا, وعلیکم السلام بھی ہو رہا, سلام پہ ہاتھ بھی رکھ رہے, ہنسی مذاق بھی ہو رہا. سرکار نے ارشاد فرمایا خنزیر خون میں لطف پھٹ ہو کے آئے وہ بدبو نہیں آتی جو غیر محرم کے جسم کے ٹکرانے سے آتی ہے. کتنا نہیں ہو رہا ہمارے پاس, ایک بچہ بچی کی شادی تھی پورا خاندان بے پردہ. اچھا یہ رشتہ ہونے سے پہلے انہوں ان کے سامنے نہیں نکلتے تھے, ان کی انہوں کی ہم کو نہیں نکلتے تھے, یہ رشتہ ہوتے نکل گئے. کیا ایک رشتہ سارے خاندان کو بے پردہ ہونا جائز کر دیتا ہے؟ ایسی خرابیاں کتنی ہیں ہمارے پاس بیان نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد یہی خرابیاں ہیں جو بھیانک قسم کے امراض میں مبتلا کر رہے ہیں, ایسے ایسے امراض پھیل رہے ہیں آپ بیان نہیں کر سکتے. کورونا پھیلا اس کے بعد بھی ختم نہیں ہے, ہر دو تین مہینے کو وائرل, پہلے وائرل ہوتا سال دو سال کے نام, اب ہر دو مہینے میں وائرل ہے. اور پھر حیرت انگیز بیماریاں بیان کے باہر بیماریاں ہیں, کثرت کے ساتھ خواتین کے اندر پھیل رہی, خواتین کے اندر زیادہ ہے, مردوں میں بھی پھیل رہی ہے لیکن ان میں زیادہ ہے. اور یہی بیماریاں ہیں آج دنیا میں, کثرت کے ساتھ یہ بیماری آئے. سرکار نے فرمایا قیامت کے بعد کثرت کے ساتھ جہنم میں ہوں. مجھے کیا ہے یہ بے دینی, مجھے یہ بے رحمی, یہ لادینیت کا طوفان. ہم نے
हमें अपने घरों में बचा कर रखा है, ये हमारी बर्बादी और हर बीमारी का सबब है। खुदा के लिए तौबा करिए, मौत सबको आने वाली है। 12-12 साल के बच्चे हार्ट अटैक होकर मर जा रहे हैं। कितने लोग इन दिनों में अचानक नहीं चले गए आप बोलिए, और जा भी रहे हैं अचानक, वो भी हो सकता है अब भी चले जाए। तौबा कर लीजिए उससे पहले। खुदा के लिए मैं ब्रदर आले अजीज से भी और अपनी पर्दा रशीद खवातीन इस्लाम माओ बहनों से भी ख्वाहिश करता हूँ, तौबा कर लीजिए। मौत कभी भी आने वाली है, पर इससे बचने के इसमें जाने के इसमें बचने का कोई रास्ता नहीं। मेरा और आपका जनाजा उठेगा, उठकर रहेगा, कोई रास्ता नहीं है हमारा जनाजा उठने के अलावा। है कोई रास्ता तो बताइए। मैं और आप अल्लाह का नाम लेने के काबिल नहीं रहेंगे। कफन में लिपटा हुआ हमारा जिस्म हमारे घरों के अंदर पड़ा रहेगा, यह आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा। इसके सिवा कोई और रास्ता है तो बताइए। अगर आज हो गया तो उसके लिए तौबा कर लीजिए। ये वक्त अगर आज आ गया तो मैंने उसके लिए क्या तैयारी की, ये फिक्र। और यही अहले बैत की तालीमात है, और यही अहले बैत की मोहब्बतों का जरिए, मोहब्बतों के इजहार का जरिया, अहले बैत की मोहब्बतों की दलील है कि उनकी तालीमात पर अमल किया था। सिर्फ बख्तिया बाबा नहीं, तालीमात पर जिंदगी गुजारने की कोशिश की थी। अल्लाह बल्कि हम तमाम को तौफीक अता फरमा, हम तमाम को सैयद कायनात आपके शहजादों का, आपके खानदान का सदका अता फरमा, उनका सदका उबारा अता फरमा, उनका तसद्दुक अता फरमा। ऐ अल्लाह हया का जेवर से हम तमाम को आरास्ता फरमा, बेहयाई से हमारे परदाने और दराने की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तेरे दीन को तेरे दीन पर और तेरे हबीब के अहकामात पर चला दे, और इसके खिलाफ हर अमल से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन या इलाही। ای دعا رسمت گردت خبول است فیدر پندیتن بحر واسع آزم و خاج اے خاج گانے زمن از تو فیدر بندر راز سلطان و خاج اے نکن لی خمسط رتفی بیها ہر رول ببائی حاتمہ المصطفیٰ والمرتبہ و بلا ہوا والفاتمہ و آخر دعوانا الحمدللہ